जिंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे नहीं लगता है कोई कभी भूल पाया ना मैं भूलूंगी। अनिल कपूर कैसे होस्ट करेंगे ये बहुत बहुत ही ज्यादा मजे की बात। बीन अ वेरी रियल पर्सन थ्रू आउट, वेरी ऑनेस्टली टॉकिंग, रिलेशनशिप्स की भी बात है तो मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा है, मैंने कभी ऊंची आवाज में ऐसे बात नहीं की है। खुदा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं। हैंडसम पे सना जाती नहीं है ना, सना को पर्सनैलिटी अच्छी चाहिए, छेड़ेगा तो छोड़ूंगी नहीं। हाय सना सुल्तान हियर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया। बाकी सना सुल्तान बोलते नजाकत तो खून में। ओके बाय। हेलो आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया, मैं हूँ आपके साथ रजनी दुबे और आज हमारे साथ है बिग बॉस OTT सीजन 3 की कंटेस्टेंट सना सुल्तान खान। वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। शुक्रिया। सबसे पहले कैसी है और कितना एक्साइटमेंट है बिग बॉस को लेकर? सबसे पहले मैं बहुत आला, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, लाजमी है। मतलब ये ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे नहीं लगता है कोई कभी भूल पाया ना मैं भूलूंगी। तवक्कु तो यही कर रही हूँ कि अच्छा एक्सपीरियंस हो। थोड़ी सी नर्वस हूँ, थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ, बट ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या कुछ तैयारियाँ, किस तरह की पैकिंग की हैं आप बिग बॉस में जाने के लिए? हाँ पैकिंग के हवाले से ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, बट अगेन मैं अपना यूजुअल वार्डरोब ज़्यादा लेकर जा रही हूँ बिकॉज जैसे कि मेरी रियल शख्सियत है मुझे वैसे ही दिखाना है। सो आई एम नॉट रियली वेरी मच कीन कि मुझे ये, बस वीकेंड के बार के कपड़े के लिए थोड़ा सा चूज़ी हूँ, बाकी रोज़ का तो मेरा जो वार्डरोब है मैं वही ले जा रही हूँ। जब आपको पता चला होगा कि ये सीजन सलमान खान होस्ट नहीं कर रहे अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन था आपको, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे सीजन में सलमान खान है? नहीं मैं मतलब डेफिनेटली आई एम अ बिग सलमान खान फैन, आई लव सलमान खान, बट उनकी शख्सियत बहुत आला है नो डाउट। अनिल कपूर कैसे होस्ट करेंगे ये बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात है, पता है? मतलब ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा, ओ शिट, आई थिंक ओ इंटरेस्टिंग, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम, बिकॉज सलमान खान को तो लोग मुसलसल देखते हुए आ रहे हैं, अब ये पहला सीज़न ऐसा है जो अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, अगर मैं कंटेस्टेंट नहीं होती, मैं व्यूअर भी होती, तो मैं एक एपिसोड तो लाजमी देखती कि मुझे देखना तो है यार कि ये कैसे होस्ट करेंगे, और उनकी जो शख्सियत है, सेंस ऑफ ह्यूमर, झकास, ये वो यार, मतलब चाहिए ये सब तो बिग बॉस में। झकास खलास सब होगा, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मजा आने वाला है। मुझे लगता है डान भी पड़ेगी तो कोई मसला नहीं है यार अनिल कपूर सर से। आई थिंक ये काफ़ी सीनियर है और काफ़ी समझदार इंसान है, दुनिया देखी है उन्होंने, तो अगर वो कुछ बोलेंगे भी तो लाजमी मेरे अच्छे के लिए बोलेंगे। मैं ये अपने हेड और माइंड में लेके जा रही हूँ ताकि मैं किसी भी लिहाज से नेगेटिव फील ना करूँ। अच्छा बिग बॉस को लेकर कोई डर, क्योंकि बिग बॉस ऐसा शो है जिसमें रियल पर्सनालिटी आती है, कुछ ऐसी बातें होती है जो दुनिया वालों को नहीं पता चलती, लेकिन बिग बॉस पे आने के बाद उसको ज़्यादा हाईलाइटेड किया जाता है, जो कंट्रोवर्सी हो, लव अफेयर हो, तो कुछ ऐसा डर कि आपकी कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक बाहर नहीं है लेकिन बिग बॉस के घर में? नहीं ऐसा कोई मुझे डर नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी रियल पर्सन थ्रू आउट, वेरी ऑनेस्टली टॉकिंग, रिलेशनशिप्स की भी बात है तो मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा है, तो मुझे नहीं लगता उस लिहाज से कोई मसले मिसाइल होंगे। डर इस चीज़ का है कि मैं सेंसिटिव इंसान हूँ, तो मेरे इमोशंस का खिलवाड़ कैसे होगा, इस लिहाज से मुझे डर है अंदर। हाँ उसमें मुझे ज़हनी तौर पे बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा बिकॉज आई एम एन इमोशनल एंड सेंसिटिव गर्ल, तो बस एक वो डर है कि किस तरीके से अगर टारगेट होगा क्या होगा, बट डर भी नहीं है कहीं ना कहीं, ये है कि बिकॉज आई एम अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन गर्ल है ना, मैंने कभी ऊंची आवाज़ में ऐसे बात नहीं की है, तो सिचुएशन आएगी जहाँ पे वो भी चैलेंजिंग होगा, जहाँ पे मुझे शायद अपनी आवाज़ रेस करनी पड़े, जो मैं नहीं करूँगी इंशाल्लाह, होप सो, आवाज़ में नहीं अल्फाज पर दम रखूँगी अपने, बट या आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस जर्नी। डर नहीं है, जो डर गया वो मर गया। काफ़ी शायराना अंदाज़ है आपका, बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी थे, शायरी सुना सुना के ट्रॉफी लेकर चले गए, तो कुछ ऐसे ही आपकी याद है? नहीं नहीं ये एक्चुअली मुनव्वर के हवाले से ना मुझे बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन देखो यार उनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और उनकी शायरी पर भी आप तवज्जो देंगे ना तो बहुत संजीदा शायरी बनाते हैं। मैं संजीदा शायरी भी बनाती हूँ, नज़म भी लिखती हूँ, लेकिन मैं पीजे वाली शायरी भी बनाती हूँ, फ़नी वाली, रैंडमली कोई चीज़ देख ली उसके ऊपर रैंडमली कोई भी शायरी मैंने बना दी, तो ये मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज़ है। आई थिंक मुनव्वर, मैं ज़्यादा बबली और ज़्यादा वैसी हूँ, मुनव्वर थोड़े से ठहराव वाले इंसान हैं, तो नहीं हमारी शख्सियत काफ़ी मुख्तलिफ है। काफ़ी अब शांत है, काम है, तो कुछ डर लग रहा है कि झगड़े होंगे, क्योंकि बहुत झगड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स किचन में होता है, तो किचन से दूर रहना पसंद करेंगे या किचन में? नहीं मैं दूर क्यों रहूँगी, मैं कह रही हूँ ना, देखो एट द एंड झगड़े भी आप लॉजिकली सोचें, झगड़े क्यों होते हैं, लोग गालियाँ क्यों देते हैं, उनको कैमरा चाहिए,
उनको दिखना है शो पर. अब उनके पास अगर कुछ नहीं है और दिखाने के लिए अपार्ट फ्रॉम झगड़ा, तो वो उनका मसला है, मेरा मसला थोड़ी है. देखा जाता जितना शांत रहेंगे कैमरे से दूर नहीं, मैं क्यों, मैं कैमरे से दूर क्यों रहूंगी, मेरा एंटरटेनमेंट करने का तरीका अलग है. मैं अपना स्टैंड तो रखूंगी, हक बात के लिए मैं लड़ूंगी, मेरा अंदाज अलग होगा ना एंटरटेन करने का. मैंने कहा ना मेरा शायराना अंदाज है, रैंडमली पीजे बना लिया. जो मैं रैंडम असल जिंदगी मेरे फ्रेंड्स को पूछ लो, एक घंटा मेरे साथ बैठेंगे ना, वो हंस हंस के पागल हो जाएंगे, मेरा मतलब बोर नहीं होंगे, ये पक्की बात है. और कंटेंट क्रिएटर हूँ एक रीजन की वजह से, हो ना. पिछला सीजन आपने देखा होगा मनीषा रानी थी, बिना झगड़े के ही बहुत उन्होंने एंटरटेन किया. एग्जैक्टली, सी राइट, तो काफी उन्हें प्यार भी मिला. मैंने यही कहा कि मनीषा ने ट्रॉफी नहीं जीती, बस ने दिल जीते. और ये मेरी कैफियत है कि ओटीटी वाले कंटेस्टेंट्स को ज़्यादा पसंद किया गया है कंपेयर टू ये वाले, आप नोटिस करो तो. इट इज़ जेन्युइनली नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं. सो यस, विदाउट झगड़ा ऑल्सो यू कैन, एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम रनिंग अवे फ्रॉम झगड़ा, लेट द झगड़ा कम, बट आई विल नॉट रेज माय वॉइस और गिव गालीज, आई विल डू समथिंग फॉर विच ऑडियंस विल गिव मी तालीज. राइट, बिकॉज अगर ऐसा रहता है फैमिली से दूर रहते हैं, थोड़ा अकेलापन भी होता है, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं लोग, टारगेट करने लगते हैं. तो एक साथी की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा लव एंगल भी बन जाता है, एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है. तो कुछ सना के साथ ऐसा होता नज़र आएगा. दो चीज़ बोलूँगी इस चीज़ पर, एक ये दैट व्हेन यू आर द थ्रेट यू आर द टारगेट. अगर आप टारगेट भी आपको तब किया जाएगा जब आप थ्रेट हो लोगों के लिए, वरना आप खेलिए, लोग बोलेंगे इसको छोड़ो ये तो वैसे भी निकलना है, इसमें तो कोई बात नहीं. टारगेट भी अगर आप खुद करेंगे, मतलब आप में कुछ तो मतलब आला दर्जे की बात है, कुछ तो आपका अंदाज है, लोगों को पसंद है, तो टारगेट करेंगे तो ये चीज़ मुझे डीमोटिवेट ही मोटिवेट करेगी. दूसरी बात क्या था आपका क्वेश्चन? हाँ, आपने बोला सपोर्ट, सपोर्ट खुदा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं. हैंडसम पे सना जाती नहीं है ना, सना को पर्सनालिटी अच्छी चाहिए, हैंडसम का क्या ही करे, कुछ लोग हाँ दिल का अच्छा हो, पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है. हाँ पर्सनालिटी अच्छी लगी तो डेफिनेटली आई कैन हैव अ गुड फ्रेंडशिप विद दैट पर्सन, बाकी का आई डोंट नो. एंड ऑनेस्टली आई नॉट रियली लुकिंग फॉर अ किंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई थिंक आई एम ऑलरेडी अ क्वीन, एंड अ क्वीन विदाउट अ किंग इज वेरी पावरफुल. आपने हर सीजन देखा था जाने से पहले, आपने थोड़े बहुत देखे होंगे, तो ऐसा किस कंटेस्टेंट के बारे में कि इसके ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, इसने बहुत गलतियाँ की हो और इसने काफ़ी अच्छा खेला, इसकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही? यार किसने बुरा खेला, मैं इसका जवाब 3 की बात कर, 2 की बात करें अगर, तो OTT 2 में बुरा किसने खेला वो मैं, मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, बिकॉज सबका अपना अपना इंडिविजुअलिटी होता है. क्योंकि मेरी नज़र में उन्होंने बुरा खेला होगा, बट उनकी नज़र में उन्होंने अच्छा खेला होगा. आई कांट रियली स्टेप इन टू दैर शूज़ एंड टॉक, बट इसने अच्छा खेला. आई थिंक मैंने तीन नाम ऑलरेडी ले लिए जो मुझे पसंद है. गौतम गुलाटी भी मुझे बड़े पसंद थे, मनु पंजाबी, मनीषा रानी और गौहर खान, ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स हैं. ओके, लास्ट क्वेश्चन कि कौन से काम से आप दूरी बनाएंगे? बाथरूम क्लीनिंग रहता है, किचन रहता है. बाथरूम क्लीनिंग यार ये मतलब सोच कर ही इधर ही मेरा थोड़ा काम को लेकर ही झगड़े होते हैं. हाँ बाथरूम क्लीनिंग को थोड़ा सा है मुझे मसला, बट करना पड़ेगा, क्या करेंगे, करेंगे, कोई मसला नहीं, करेंगे. अपने फैंस को क्या मैसेज दे पाएंगे, किस तरह से आपको सपोर्ट करें और किस तरह की सना उसमें दिखेगी? किस तरह की कोशिश सना सुल्तान यही करेगी कि जैसी उसकी रियल शख्सियत है वो ऐसे ही रहे, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुदा ने मुझे नीचे बनाकर भेज दिया, अब मैं क्यों बनूं, मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसी रहूँगी. अगर उस चीज़ से लोगों को मसला है तो उनका मसला है, मेरा मसला नहीं है. हाँ छेड़ेगा तो छोड़ूंगी नहीं, सही बात है, हक बात है ये, मतलब वो मेरा अलग तरीका होगा फिर उस चीज़ को टैकल करने का. एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी, आई होप माई ऑडियंस इज ऑल्सो. आप लोगों का बहुत प्यार चाहिए, बिकॉज आपके प्यार के बगैर मुमकिन नहीं है, ये तो पक्की बात है. तो प्लीज़ कीप गिविंग ऑल द लव दैट यू हैव गिवन मी. एंड बहुत लोग मुझे पहले जानते होंगे, बहुत लोग जो नहीं भी जानते होंगे, तो जो नहीं जानते आप लोग तो मुझे एक नई शख्सियत जैसे देखोगे, तो आप लोग से तो मुझे थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए होगा. सो आई होप यू गाइज लाइक मी द वे आई एम. रेस्ट आई प्रोमिस आई गिव माई बेस्ट एंड एंटरटेनमेंट, गिव यू गाइज एंटरटेनमेंट. Thank you so much.